हेलो एवरीवन, सभी भाई लोगों को एमएसके सैल्यूट। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे वीएफडी के स्पीड एंड टॉर्क कंट्रोल मोड की। बेसिकली स्पीड कंट्रोल मोड हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम इन उस एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं जहाँ हमें वेब टेंशन मटेरियल्स के बीच में टेंशन या खिंचाव मेंटेन करना होता है। वो एप्लीकेशन है सच एज वाइंडिंग एप्लीकेशन, जो हमारे वाइंडिंग एप्लीकेशन होती है वहाँ यूज़ करते हैं। हमारे जो रीवाइंडिंग एप्लीकेशन पे यूज़ करते हैं और वेब एप्लीकेशन पे यूज़ करते हैं। वेब मतलब कि कोई थ्रेड वगैरह से जो हमें कोई बुराई या फिर जाला बनाना होता है उस जगह पे यूज़ करते हैं। पेपर रोल इंडस्ट्रीज में बहुत स्पीड एंड टॉर्क कंट्रोल मोड यूज़ होता है। वाइंडिंग एप्लीकेशन मतलब कि अगर किसी रोल पे मटेरियल को एक पर्टिकुलर टेंशन के साथ अगर हमें वाइंड करना होता है उस जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। रीवाइंडिंग एप्लीकेशन मतलब किसी रोल से मटेरियल को उतारना होता है तो हमें एक पर्टिकुलर टेंशन के साथ इस मटेरियल के ऊपर एक टेंशन मेंटेन करना होता है, उस टेंशन के साथ इसको रिवाइंड करना होता है, उन एप्लीकेशन पे हम इस वीएफडी के मोड को यूज़ करते हैं। तो अब एक्चुअली क्या है कि एक बार उसको हम लोग अपनी इस वीडियो में वाइंडिंग अनवाइंडिंग एप्लीकेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अनवाइंडिंग जो रीवाइंडिंग है जिसे कहते हैं या अनवाइंडिंग उस एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास बेसिकली जो सबसे कॉमन और सबसे सिंपल एग्जांपल है वो कि ये हमारे पास दो ये निप रोल हैं, इन्हें हम निप रोल कहते हैं। और ये हमारा एक पीछे अच्छा बड़ा सा रोल होता है जिसके मटेरियल ऑलरेडी लपटा होता है। ये क्या है कि वाइंडेड रोल होता है, ठीक है, जिसके मटेरियल ऑलरेडी होता है। और हमारा जो मटेरियल और आगे हमारा एक रीवाइंडर होता है, रीवाइंडर जिसको ये मटेरियल लपेटता है, ठीक है, जिसके ऊपर ये मटेरियल आके लपेटा जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल है इस वाइंडर के ऊपर से निकलता है, निप के बीच में से जाता है और यहाँ पे एक सिलेंडर न्यूमेटिक सिलेंडर या कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा रहता है जो निप को इसे एकदम मिला के रखता है, चिपका के रखता है ताकि मटेरियल प्रॉपर उतार पाए। और ये उतार करके इस वाइंडर को देता है मटेरियल को, और ये वाइंडर अपने आप में इसको लपेटता रहता है, वाइंड करता रहता है। अब क्या है कि जो निप है, निप की जो कंट्रोल है वो अलग वीएफडी से कंट्रोल होता है, निप अलग वीएफडी से कंट्रोल होता है और वाइंडर अलग वीएफडी से कंट्रोल होता है, अलग मोटर से कंट्रोल होता है। तो निप और हमारे क्या निप की अलग मोटर होती है और ये वाइंडर की अलग मोटर होती है। अब क्या है कि जो निप वाला मोटर होता है वो प्रॉपर एक ही स्पीड से मटीरियल उतारता रहता है, ठीक। और ये रिवाइंडर अगर लपेटता हुआ जैसे जैसे मटेरियल लपेटता रहेगा वैसे वैसे इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। और जैसे डायमीटर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इसका सरकमफ्रेंस इंक्रीज़ होता रहेगा, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या ये हमारा अब ये क्या कि जैसे इसका डायमीटर इंक्रीज़ होगा तो ऐसे ही क्या ये ज़्यादा ये क्या होगा मटीरियल को ज़्यादा लपेटना शुरू कर देगा। तो उन केस में क्या होता है कि इस मटेरियल में धीरे धीरे हमें यहाँ पे टेंशन जो है हमारी वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, खिंचाव इंक्रीज़ होने लग जाता है। और उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि कई बार ये मटेरियल टूट जाता है। तो हमें ऐसी एप्लीकेशन हमें तैयार करना है, हमें इस तरीके से वीएफडी को प्रोग्राम करना है कि जैसे 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 ही हमारा ये रिवाइंडर बड़ा होता चला जाए, रिवाइंडर का रोल बड़ा होता चला जाए वैसे वैसे रिवाइंडर की स्पीड हमारी स्पीड डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन हो सकती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो निप है जो हमारा निप है हम निप की स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट वो एक्चुअली उसमें क्या हो गया हमें कॉन्स्टेंटली हमारा जो रिवाइंडर का जो हमारा रेडियस है या फिर कह सकते हैं डायमीटर है वो हमें मेज़र करना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव एप्लीकेशन हो जाता है। और जो हम दूसरी चीज़ इसके अंदर कर सकते हैं वो ये है कि जो हमारा रिवाइंडर और ये हमारा है रोल जिसमें हमारा मटेरियल रहता है। अब हम दूसरा ये कर सकते हैं कि जो निप है
निप की जो स्पीड है वो निप की VFD को स्पीड मोड में करते हैं। निप की VFD स्पीड मोड में, निप की VFD किस में होगी, स्पीड मोड में होगी, ठीक है। और रिवाइंडर की, रिवाइंडर VFD हम क्या कर सकते हैं, रिवाइंडर VFD हम कर सकते हैं, इसको हम स्पीड और टॉर्क मोड में कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड और टॉर्क मोड में। और स्पीड टॉर्क मोड में क्या होता है कि हमारा स्पीड रेफरेंस और टॉर्क रेफरेंस के बीच में सिलेक्शन होता है कि हम स्पीड और टॉर्क का रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। बेसिकली अगर हमने अपने डिजिटल इनपुट को, जो VFD के अंदर डिजिटल इनपुट होते हैं, उनको अगर स्पीड मोड से सेलेक्ट किया डिजिटल इनपुट पे, तो हमारा VFD क्या करेगा, स्पीड को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, स्पीड को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, और जो टॉर्क है उसको वेरी करेगा। और जैसे हमारा टॉर्क वेरी होगा तो हमारे क्या होगा कि टॉर्क वेरी करने से हमारा होगा कि हमारा टेंशन वेरी होगा, ठीक है, हमारा टेंशन वेरी होगा। बट हमें क्या करना है कि हमें टेंशन को कांस्टेंट रखना है अपने इस एप्लीकेशन में, वाइंडिंग एप्लीकेशन में। तो टेंशन को कांस्टेंट रखने के लिए हमें जो हमारा जो रिवाइंडर की जो VFD है उसको हमें टॉर्क मोड में यूज़ करना होगा, क्योंकि VFD जब हमारी टॉर्क मोड में होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, टॉर्क को कांस्टेंट रखता है, हाँ, और वेरी क्या कराता है, और स्पीड हमारी वेरी होती है। तो हम लोग भी ये चीज़ हो गया कि हमारी अब क्या होगा, स्पीड वेरी करेंगे तो हमारा क्या, तो हमारे इस एप्लीकेशन में क्या होगा, जैसे जैसे हमारा रोल बड़ा होता चला जाएगा, जैसे हमारे रोल का डायमीटर बड़ा होगा, वैसे वैसे इस मोटर की क्या होगी, स्पीड स्लो होती चली जाएगी, और जो हमारा टॉर्क है, जो इस बीच में टॉर्क है, ये टॉर्क या फिर हम इसे कैसे टेंशन हमारा प्रॉपर मेंटेन होगा, इस एक ही टेंशन मेंटेन होगा, ठीक है। अब हम VFD में सिलेक्शंस की बात कर लेते हैं कि टॉर्क स्पीड और टॉर्क मोड कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं। जो हमारी ABB की VFD है, इसकी जो VFD मैक्रो है 99902, इसका मैक्रो पैरामीटर है। मैक्रो पैरामीटर पर हम जैसे 8 एंटर करते हैं, 9902 पे माइक्रो पैरामीटर में जैसे 8 एंटर करते हैं, तो उस टाइम ये होता है कि हमारी VFD जो होती है वो टॉर्क और स्पीड कंट्रोल मोड में चली जाती है, ठीक है। टॉर्क स्पीड कंट्रोल मोड में कैसे, क्योंकि जो हमारा DI3 डिजिटल इनपुट पिन 3 होता है, उसके ऊपर जैसे हम इनपुट देते हैं, इनपुट या फिर जैसे 24 वोल्टेज को DI3 के साथ शॉर्ट करते हैं, हाँ, तो वो क्या होता, क्या होता है, VFD हमारी टॉर्क मोड में चली जाती है, टॉर्क मोड में। और जो स्पीड रेफरेंस AI एनालॉग इनपुट 2 वाला पोर्ट होता है, वो हमारा टॉर्क रेफरेंस लेता है एक्सटर्नल टर्म से। और जो हमारा AI1 होता है वो है हमें स्पीड रेफरेंस लेने के लिए। तो हम जैसे VFD को टॉर्क मोड में करेंगे तो AI2 से पे जो पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड होगा AI2 पे, उस पोटेंशियोमीटर से टॉर्क रेफरेंस लेगा ये VFD, और उस पर्टिकुलर टॉर्क पे ही और उस पर्टिकुलर टेंशन को ही मेंटेन करके रखेगा। अब क्या है कि अगर जब हम ये कर लेते हैं, इसको टॉर्क मोड में करते हैं, तो हमें एक नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइज होती है, वो ये है कि जो ये हमारे निप है, निप के बीच में जो मटेरियल जा रहा है और इसको ये रिवाइंडर इसको रोल कर रहा है, रिवाइंडर तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर ये टॉर्क, उस पर्टिकुलर टॉर्क पे क्या करेगा कि ये निप के नीचे से मटेरियल को खींच के निकाल सकता है, ये मटेरियल इसके नीचे से स्ट्रेच करके निकाल लेगा ये, कि अगर ये चाहे निप की स्पीड कुछ भी हो, वो पर्टिकुलर मटेरियल को रोल कर लेगा, चाहे हमारे निप की मोटर स्टॉप मोड में भी, निप की VFD अगर हमारी स्टॉप मोड में होती है और रिवाइंडर VFD ऑन कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, मटेरियल रोल होने लग जाएगा, क्योंकि निप की मोटर तो फ्री होगी उस टाइम पे। तो हमें ऐसा करना है कि निप की मोटर को DC इंजेक्शन ब्रेकिंग के साथ यूज़ करना है, DC इंजेक्शन ब्रेकिंग के साथ यूज़ करना है। अब ये क्या होगा कि निप के लिए कौन सी VFD यूज़ करनी है, निप VFD हमें चॉपर वाली यूज़ करनी है, VFD चॉपर के साथ जो आती है, जिसमें ब्रेक रेजिस्टेंस लग सकता,
ठीक है, जिसमें हम ब्रेक रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। और निप की VFD को हमें उस मोड के लिए प्रोग्राम करना है, जैसे लिफ्ट मोड में जो हम लोग लिफ्ट लिफ्ट के लिए जो मोड यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, जो DC ब्रेकिंग रेजिस्टेंस के लिए, ताकि जो निप की निप के निप जो है वो फ्री फॉल ना हो, निप हमारे फ्री फॉल ना हो और मोटर ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच डालकर उसको लपेट ना ले। अगर ये मोटर फ्री फॉल होंगी निप की, तो यहाँ पर टेंशन कभी मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। सो इसके लिए हमें वो VFD यूज़ करनी है, जिसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर एक फ्री फॉल से बचाना है, तो हमें ब्रेकिंग VFD ब्रेकिंग सॉरी DC इंजेक्शन ब्रेकिंग को यूज़ करना है।